हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। हम आज बनाएंगे थ्री इंग्रेडिएंट्स वाला मिल्क पेड़ा, या दूध पेड़ा भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मुंह में डालते ही जैसे घुल जाता है। तो चलिए, रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल है, तो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। जब भी कभी आपको अचानक से मीठा खाने का मन करता है, तब आप ये मिल्क पेड़े या दूध के पेड़े की रेसिपी घर पर ट्राई कर सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये दूध पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर ली है मैंने 1/4 कप चीनी, आधा कप दूध और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर घी लिया है, देसी घी। इससे ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई, क्योंकि हम इस मिठाई को इसी कढ़ाई में बनाएंगे। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम लोग डाल देंगे आधा कप दूध, 1.5 कप मिल्क पाउडर, और इसे अच्छी तरह से हम लोग मिला लेंगे। गैस के ऊपर मैंने अभी इसे नहीं रखा है, क्योंकि जब हम लोग दूध को गैस के ऊपर गर्म करेंगे तो हमारी जो मिल्क पाउडर है उसकी गाँठें या गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग गैस के नीचे ही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देख लीजिए, एकदम बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की विस्क अगर आप यूज़ करते हैं तो ये गुठलियाँ बिल्कुल भी इसमें नहीं होती है। तो चलिए, 2 से 3 चम्मच मैं इसमें देसी घी भी डाल देती हूँ। और इसके बाद हमने जो 1/4 कप चीनी ले हैं उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अच्छी तरह से इसे हमें मिलाना है, और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ही हम लोग इसे गैस के ऊपर रख देंगे। तो देख सकते हैं, अब मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है और गैस का फ्लेम मैंने अब चला लिया है यहाँ पर। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे पकाना है, क्योंकि ये जल्दी से गाढ़ा होना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर यूज़ की है। और इस मिठाई की टेस्ट एकदम सेम खोए या मावे की जो मिठाई होती है ना, सेम उसी तरह की लगती है। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए, अब इसे अच्छी तरह से हमें कुक करना है, पकाना है, जब तक ये गाढ़ा या थिक नहीं हो जाता। और ये अगर बहुत ज़्यादा जल्दी से गाढ़ा होने लगे तो आप इसमें 2 या 3 टेबल स्पून दूध और मिला सकते हैं। तो चलिए, अब हमें इसे इस तरह से लगातार चलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे कढ़ाई में भी लग सकता है, इसीलिए इसे इस तरह से चलाते रहना है। तो 7 से 8 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं गाइस, लो टू मीडियम फ्लेम पर। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ये मिल्क पेड़े का मिक्सचर है थोड़ा सा थिक या गाढ़ा होना शुरू हुआ है। अब इसी समय पर मैं इसमें डाल देती हूँ 1 या 2 छोटी चम्मच घी। इससे ये जल्दी से पक जाएगा और कढ़ाई छोड़ देगा। तो यहाँ पर पूरे 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारा जो ये मिक्सचर है देख सकते हैं कितना गाढ़ा हुआ है, और कढ़ाई भी अच्छे से छोड़ने लगा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक बीच में गोला तैयार हो जा रहा है, और ये कढ़ाई भी अच्छी तरह से छोड़ने लगा है। इसका मतलब है हमारा ये अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो बस 2 से 3 मिनट तक हम लोग इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। हमारा जो ये मिक्सचर है सेम खोए की तरह लग रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है। प्लेट को नीचे से थोड़ा सा हमें घी से ग्रीस करना है। तो बस इस मिक्सचर को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट तक ठंडा होने होने देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाता है, एक शेप पकड़ लेता है। तो देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा, अभी ये हल्का सा गर्म है, तो इसे इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसका पेड़ा बनाने के लिए हमारा मिक्सचर अभी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हुआ है, देख सकते हैं प्लेट में। अब हमें क्या करना है, लेना है एक बटर पेपर, या चाहे तो आप घी से लगी हुई एक प्लेट भी ले सकते हैं। तो ये पेड़े बनाने के लिए मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरह से। और जो बेलन हमने लिया है उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीसिंग कर लिया है। तो ये जो पेड़े का मिक्सचर है उसे मैंने बटर पेपर के ऊपर रख कर इस तरह से हमें इसे बेलना है, जैसे हम लोग काजू कतली बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से। अगर आप चाहें तो किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं, नहीं तो जो कुकी कटर होता है, छोटा वाला डब्बा होता है, उससे इसे पेड़े का शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक छोटू सा डब्बा इस तरह से, और इसे मैं इस तरह से गोल शेप में कट कर लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दूध पेड़ा या मिल्क पेड़ा हमारा बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, और सेम जैसे खोए के पेड़े मिलते हैं ना, है ना, सेम उतना ही ये टेस्टी भी बनता है। तो ज़रूर एक बार इस मिल्क पेड़े को या दूध पेड़े को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजिएस्ट और सिंपल रेसिपी है। अब यहाँ पर इस पेड़े के ऊपर लगा देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये दिखने में और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये 10 से 12 मिनट में बनने वाली दूध पेड़े या मिल्क पेड़े की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और अच्छी लगी है, हमेशा की तरह पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, एंड अभी तक आपने दावत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर। हाँ, इसी मिठाई के साथ आप लोग मिल्क पाउडर से दूसरी भी मिठाई तैयार कर सकते हैं, तो चलिए उसकी भी रेसिपी एक बार देख लेते हैं। तो हम बनाएंगे केसर पेड़ा।